नमस्ते बच्चों, पिछली तासिका में हमने जीवन नहीं मरा करता इस कविता की पहली पंक्तियों का अर्थ जाना था। आगे कविता का अर्थ सीखते हैं। आगे क्या है पंक्तियों में दिया हुआ? माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू कर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मोतियों की माला टूट कर बिखर जाती है, मोतियों की जो माला होती है वो अगर टूट गई तो सारे मोती जो है जमीन पर बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। तो हम उसे ऐसे ही फैले रहने देते हैं क्या? नहीं, हम फिर से उन मोतियों को जमा करते हैं और एकत्रित करके उनकी फिर से माला बनाते हैं, उन्हें पिरो देते हैं एक धागे में, ताकि वे एकत्रित रहे, जुड़े रहे और फिर हमारे लिए भी हमारे पास सुरक्षित रहे। तो उन्होंने यही कहा है, माला अगर बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। अगर माला बिखर, जिंदगी की जो समस्या है वह हल हो सकती है, जिस प्रकार टूटी हुई माला को फिर से पिरोया जा सकता है, उसी प्रकार आई हुई समस्या को हम हल कर सकते हैं। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। अगर हम आंसू जो है हमारे, उन आंसुओं को रोक कर, उस पर मात करके और समस्या को हल कर दिए, कभी हमारे ओर से आने वाली, हमारे ऊपर आने वाली समस्याओं पर हमने मात कर दी, तो हमारी तपस्या पूरी हो गई। तपस्या जो ऋषि मुनि सालों साल तक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का स्मरण करके करते हैं, तब जाके उन्हें कोई दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। कब? एक तपस्या के बाद, इसे कहते हैं तपस्या। कई वर्षों तक ईश्वर स्मरण करना, ईश्वर का नाम लेना और तब जाकर कोई दिव्य शक्ति को प्राप्त करना। तो तपस्या करना आसान नहीं है, वर्षों बरस उसमें लग सकती है। तो उन्होंने कहा कि आपकी तपस्या जो है, परीक्षाएं जो पूरी हो जाती है अगर आपने समस्या का उपाय ढूंढ लिया। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। रूठे दिवस मतलब दुख के दिन। देखो, जीवन में दुख और सुख आता है, तो सुख के दिनों को इंसान जल्दी भूल जाता है, लेकिन दुख के जो दिन होते हैं उसे भूल नहीं, बार बार उसे याद करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जीवन में आया हुआ दुख है उसे बार बार याद करना, उसी पर आंसू बहाना और अपने आप को कमजोर बनाना। तो उन्होंने ऐसे लोगों को कहा है कि फटी कमीज सिला देना, मुझे जो कमीज अर्थात कुर्ता, पशु आंसू कमीज कुर्ता जो पहना जाता है, तो जो फट गया है उसको हटा दो, जीवन से जिंदगी से निकाल दो, हटा दो उसको। सीधा के बैठने से और फिर से बार बार सिया हुआ कमीज फिर से पहनने से क्या आपका वह कपड़ा फिर से पहले जैसा हो जाएगा कि नया जैसा? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ये उपमा दी है ऐसे लोगों को कि जो लोग रूठे दिवस मनाते हैं। देखो, हम अच्छे अच्छे दिन भी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस है, दीपावली है, दशहरा है, तो ऐसे दिनों को हम मनाते हैं, मतलब सेलिब्रेट करते हैं, समारोह को मनाते हैं। तो दुखों के दिनों को क्यों मनाते हैं? उन्हें भूल जाओ और नए दिनों की तरफ बढ़ो, नए जीवन की तरफ आगे कदम बढ़ाओ। फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। हम हमारे आंगन में दिए जलाते हैं, दीपों को जलाते हैं और इन दीप प्रज्वलन के बाद हम सोचते हैं कि हमारा आंगन रोशन है, लेकिन हवाएं चलती हैं, कभी कभी कुछ दीप उसमें से बुझते हैं, कुछ जलते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ दीप अगर बुझ भी गए तो क्या आंगन मर गया, यानी अर्थात आंगन ही टूट गया क्या? नहीं, हम फिर से उनमें तेल डालकर फिर से उन्हें रोशन कर सकते हैं। तो अगर कुछ दिए बुझ भी गए तो उसके कारण आंगन नष्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिद बदलती होती। जिंदगी में कुछ इंसान असल में होता है, हमारे सोच पर सब निर्भर करता है। केवल जिद अर्थात पढ़ने, सबके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं के कारण अलग अलग है, जिसे हम रीजन कहेंगे अलग अलग है, और इन समस्याओं के विषय केवल क्या होते, पन्ने बदलते हैं पोथी के, पोथी अर्थात ग्रंथ,
लेकिन होता कुछ नहीं मिलता इंसान। जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह की ज्योति, जिस प्रकार से रात होती है और रात के बाद जब दिन निकलता है सूरज फिर से निकल आता है, संपूर्ण धरती पर सूरज की रोशनी जो है वो फैल जाती है और सूरज की रोशनी के कारण चारों ओर उजियारा ही उजियारा होता है। ठीक उसी तरह से समस्या समाप्त होने के बाद हमारे जीवन में फिर से उजाला आता है, एक नव निर्माण, नव चेतना।